कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज है रक्षाबंधन और थर्सडे है आज, और लिफ्ट भी अभी तक चालू जो है वो नहीं हुई है। काफ़ी दिन से मैं जब भी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो सीढ़ियाँ ही उतर रही होती हैं, क्योंकि पहले से मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं करती, पता नहीं क्यों नहीं करती। और अभी हम बस निकल रहे हैं, पापा को हमने अभी फ़ोन किया था, पापा ने बोला कि बहुत बहुत ट्रैफिक जाम है, तो गाड़ी लेके आने की तो भूल मत करना, क्योंकि फंस जाओगे, 2 घंटे तुम्हें लग जाएंगे आते हुए। तो इसलिए हम अब जा रहे हैं स्कूटी से। क्यों स्कूटी से ही जाओ यार, फंस जाओगे गड्डी से। क्यों उनकी वजह? तो फिर चलो, फिर कार से ही चलो, मेनू ना कहना फिर टाइम लग जाएगा। मैं तो तुम पूछा फिर तुम दसा ही नहीं। देखो टाइम भी पता नहीं, अभी शायद 12:30 हो रहे होंगे। की होया? 11:55 हो रहे हैं। 11:55 तो नहीं हो रहे, हाँ 11:55 ही हो रहे हैं। की करना, हम स्कूटी से जाओगे? चलो भाई चलते हैं, गाड़ी में ही चलते हैं। सुबह से यार 8 बजे से उठी हूँ और एक कप चाय तक मैंने आज नहीं पिया। फाइनल डिसीजन हमने लिया कि हम गाड़ी में ही जाएंगे। और सुबह से मैं कितने बजे से उठी हूँ, आई थिंक 8:30 के करीब मैं उठी थी, और मैंने सुबह से एक कप चाय भी नहीं पिया, और अब मेरी ना जान निकल रही है भूख से। और थैंक गॉड कल ना रात को जब हम सामान लेके आ रहे थे ना, तो मैं ना रात को ये एक लेके आई थी, मोगू मोगू, ये है मैंगो फ्लेवर का मोगू मोगू लेके आई थी। पहले मैंने लीची वाला ट्राई किया था ना, तो अभी मैं मैंगो लेके आई हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ ये कैसा टेस्ट करता है। आई थिंक इसके अंदर भी छोटे छोटे जो चंक्स हैं वो हैं। खट्टा, ये देखो इनको पहले चाहिए खट्टा, थोड़ा सा मतलब मैंगो फ्लेवर है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, ओके ओके। तो कुदरत आज बैठी है यहाँ पे मैडम, ये देखो। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? हाँ जी, क्या चाहिए आपको? क्या नाम है इसका? लोलू मोलू। लोलू मोलू नहीं है यार। जसप्रीत देखो, मैं बोली सी ना, मैनू नहीं पता, फिर मैं शामी आऊंगी 6 बजे, मैनू ना कहना जल्दी आ। मागू मागू, फोकस ले लो भाई, ये मेरे फोन ने ना फोकस लेना जो बंद कर दिया, मुझे नया लेना पड़ेगा फोन। गाइस एक ना प्रॉब्लम हो गई अभी ना। ओए ओए ओए, अरे यार किन्नो, तू भी ना पुट्टी है, छोटा थोड़ा सा जूस बचा है, ऐसे ही एनो लेट देता सारा मेरे सूट थे और ऐसे लगता थे ऊपर। प्रॉब्लम गाइस ये हुई कि ना मैं राखियां ही भूल गई घर पे, पता नहीं यार, मुझे याद था मैंने 2 बार राखियां पकड़ी भी, पैकेट भी पकड़ा, पर पता नहीं क्यों मैं ना कुदरत के बैग में रखना ही भूल गई। और अब हमें यहीं से राखियां जो है वो लेनी पड़ेंगी, और अभी मिठाई के डिब्बे भी खरीदने हैं तो टाइम लग जाएगा। मैंने जसप्रीत को बोला था कि स्कूटी पे चलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होएगा, और सच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि त्यौहार वाले दिन ना ट्रैफिक होता ही है कुछ भी। और ये कुदरत आ गई मेरे पास। अब एक फ़नी चीज़ बताती हूँ क्या हुआ। जसप्रीत ना इसको आगे बिठाया हुआ था, जसप्रीत में मैंने आपको बताया था ना, तो पूरे रास्ते जसप्रीत ने ना इसके आगे ऐसे हाथ रखा हुआ था कि अगर कहीं इन्हें कि इस ब्रेक वगैरह मारनी पड़ जाए तो ये आगे को लुढ़के ना। तो एक थोड़ी देर के लिए उन्होंने ऐसे हाथ हटाया तो एकदम से उन्होंने ब्रेक मारी और ये बॉल की तरह लुढ़कते हुए आगे एकदम से गिर गई। और अच्छा हुआ उसके नीचे ना चॉकलेट्स के डिब्बे पड़े हुए थे, नहीं तो ना इसको सिर बड़े तेज लगता नीचे। लेकिन ये गिरे बहुत फनी से तरीके से, है ना जसप्रीत? बड़ा ही फनी सा मतलब एक सीन था, बिल्कुल भी रोई नहीं है, बट हमें बहुत तेज हंसी आई। गिर गए थे आप? एक मिनट छोना, हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो। ये देखो, ये देखो मम्मा की लिपस्टिक लग गई इधर और इधर, है ना? इसने अभी वो मोगू मोगू ड्रिंक पिया ना, तो उसके ऊपर थोड़ी सी लिपस्टिक लगी, तो इसके यहाँ पे भी लग गई है। मीनू आ रही है अभी, सोएगी मेरी बच्ची।
सो गाइस पहली राखी जो है हम बांधेंगे लड्डू को। वहाँ पर ये बैठे हैं हमारे प्यारे से लड्डू तैयार होकर। ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड आई थिंक राखी को लेके, इतने तैयार हैं। ये देखो उनको हमने राखी बांध दी है। चलो अब इनके तो भाई बहुत छोटे छोटे से हाथ हैं, नन्हे नन्हे से हाथ हैं, तो हमने ये राखी जो है इनके ऊपर ही रख देते हैं ऐसे, ठीक है। और अब थोड़ा सा मीठा हम खिलाएंगे, थोड़ा सा मीठा खिलाएंगे लड्डू को। और ये अब थोड़ा सा खिलाएंगे छोटू बाबू को, थोड़ा सा राधा को, चलिए जी हो गया। पहली राखी हमने इनको बांध दी है, अब धीरे धीरे सबको राखी बांधेंगे और सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। छोटू सा खाने पीने का सामान मैं लेकर आई हूँ लड्डू के लिए, और ये अब हम बाहर चले जाते हैं और चुपचाप खा लेंगे। गरीब भूल गई आ रहे मम्मी एक मिनट, पापा फोटो भी खींचो। नहीं नहीं तू देखो गाइस ये नानू और इनकी ये गुड़िया कर रहे हैं दोनों एंजॉय हमेशा की तरह। ये देखो बाबा विशु, ये देखो कैसे मस्ती छाई हुई दोनों को। खड़े हो चलो, खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो। ओए होए आओ चलिए ऊपर बैठिए जल्दी बाबा। हाय 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 एंड वी हे गाइस, सो गाइस अभी हम घर आ गए हैं, 6:15 हो रहे हैं अभी। और अभी क्या है मैं चेंज वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि अभी जस की बुआ वगैरह जो है वो सब आएंगी, तो अभी मैं बिल्कुल कपड़े वगैरह चेंज नहीं करूँगी। अभी थोड़ा सा मेस वगैरह है रूम के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल है, वो मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ, उतने में जस की जो बुआ है वो आ जाएंगी। ठीक है जी, फटाफट से जो क्लीन जो जो सब कुछ साफ़ वगैरह करना है वो मैं कर लेती हूँ। ठीक है जी, हे गाइस, सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा गया। मतलब इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे दुख सा है कि मैं थोड़ा लेट पहुंची अपने मम्मा के घर पे,
और दूसरी चीज़ ये राखियाँ मैं भूल गई वहीं पे, बट कोई बात नहीं, जसप्रीत ने बोला कि मैं वो राखियाँ संभाल के रखूँगा, तुम ना उसे नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लेना। मैंने कहा यार ये भी बात सही है, तो हमने उसको संभाल दिया, उन सभी राखियों को हम नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लेंगे। तो क्योंकि वो राखियाँ बहुत सुंदर सुंदर मैंने खरीदी थी यार, तो इसीलिए ना मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। और कुदरत सोई नहीं है अभी तक, देखो इसको नहीं होती भाई थकावट, ये ना थकती, ये देखो इसकी छोटी सी बुद्धि। और जसप्रीत अभी लेटे हुए हैं, और आई होप गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, इस मंथ आपको बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू ब्लॉग डालूंगी आप लोगों को पता लग जाएगा, है ना। और ये तो बिल्कुल फ्री है आपका, एक रुपया भी नहीं लगने वाला। ठीक है, और देखो आ गई मैडम, सबको बाय बोलो, बाय बाय और देखो बाय बोल रही, बाय एवरीवन, ऐसे फ्लाइंग किस, लव यू। चलो जी हम मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड Take care.